हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ। एक फंक्शन होता है जिसका नाम है फॉर्मेट, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक टेबल बनाई हुई है। टेबल को जिस तरीके से बनाई है आप देख सकते हैं। डिजाइन व्यू पे लेके इसको दिखा देता हूँ। आईडी को प्राइमरी की बनाया मैंने, इसका डेटा टाइप ऑटो नंबर रखा है, यहाँ से नेम ऑफ प्रोडक्ट लिया है और नेम ऑफ प्रोडक्ट का जो डेटा टाइप है उसे मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। फिर प्राइस है तो प्राइस का डेटा टाइप नंबर रख लिया है। अब हम इस प्राइस का डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ क्वेरी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट फंक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे चेंज कर पाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले ये इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पर कुछ डेटा भी हमने फिल कर दिया। यहाँ पर कोई भी करेंसी सिंबल आपको फिलहाल नजर नहीं आ रहा होगा, तो अभी इसमें करेंसी सिंबल लेके आना है। तो यहां से सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट पे जाना है, फिर क्वेरी डिजाइन पे जाना है। क्वेरी डिजाइन पे जैसे ही आते हैं तो इसको हम करेंगे यहाँ पे एड, टेबल वन को एड कर लिया। यहां पर हम चाहते हैं कि हम फॉर्मेट फंक्शन का यूज करें, तो यहाँ पर जो भी फील्ड आपको चाहिए रिक्वायर्ड वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइस को नहीं लेंगे, प्राइस को यहाँ से हम ऐड नहीं करवाएंगे और हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मेट, ठीक है। क्या लिखेंगे, फॉर्मेट, इस तरीके से लिखते हैं फॉर्मेट। ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम बता देते हैं खाली कि किसको हमें चेंज करना है, किसका फॉर्मेट हमें बदलना है। तो प्राइस का फॉर्मेट बदलना है और प्राइस का फॉर्मेट बदल करके क्या करना है, करेंसी कर देना है। तो बस इस तरीके से करेंसी लिख दीजिएगा। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो यहां पर ये जूम भी कर दिया है, साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं ताकि और भी अच्छे से समझ में आए। तो ये इंक्रीज कर दिया है साइज भी, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको करना है। ब्रैकेट को क्लोज करना है, डबल एटेड कोर्स को क्लोज करने के बाद क्लोज कर दिया। अब हमें ओके कर देना है, यहां से ओके कर दिया। अब इसको रन करवाएंगे, रन करवाएंगे तो देखेंगे कि जो फॉर्मेट हमें इस तरीके का दिख रहा है, यहां पर कोई भी करेंसी सिंबल नहीं दिख रहा है हमें। तो अभी क्वेरी को रन कराने के बाद देखिए कमाल, ये यहां पे जाकर के क्वेरी को रन करा दिया। तो अभी देख सकते हैं यहां पर करेंसी आ चुका है, देख सकते हैं कि नहीं, ऊपर EXPR करके आ रहा है। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, यहां से जाकर के इसको हटा देंगे और यहां पर हम कॉस्ट या प्राइस जो भी टाइटल देना चाहते हैं यहां पे दे सकते हैं, ठीक है। ये दे दिया, अब देखिए यहां पर कॉस्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मेट बदलना हो तो आप फॉर्मेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। इसके पहले भी मैंने फॉर्मेट फंक्शन बताया है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।